हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जुलकर्नैन और आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लव फॉर नेचर में। आइए आज हम लोग जानेंगे हाउ टू टेक केयर कैलेंचो प्लांट ड्यूरिंग दिस समर सीजन। कैलेंचो प्लांट, कुछ लोग इसे कैलेंचो ही प्लांट भी बोलते हैं, लेकिन मेनली ये कैलेंचो प्लांट के नाम से ही जाना जाता है। ये एक सर्कुलेंट फैमिली का प्लांट है और ये 12 मंथ ग्रो करते रहता है, और अगर आप लोग इसे अच्छे से केयरिंग करेंगे तो ये आपके पास परमानेंटली भी रह सकता है। काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग प्लांट है, काफ़ी अच्छा प्लांट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग को मैं कुछ आज पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप लोग ये समर सीजन अपने कैलेंचो प्लांट की अच्छी खासी केयर कर सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आता है कि वेल ड्रेनेज सॉयल। कैलेंचो प्लांट के लिए वेल ड्रेनेज सॉयल काफ़ी ज़रूरी है, ताकि इसमें कम से कम वाटर स्टोर रहे और इन्फेक्शन का भी खतरा ना हो और इनके रूट्स भी ख़राब ना हो, ताकि आपका प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके। तो वेल ड्रेनेज सॉइल के लिए आप लोग 50% सैंड और 50% सॉइल के मिक्सर में से लगाइए, काफ़ी अच्छा मिक्सर है। सेकेंड है कि अपने वाटरिंग इन्हें कब देनी है। समर सीजन में हर 2 या 3 दिन में ही इन्हें वाटरिंग करें। मैंने भी आज 2 या 3 दिन की वाटरिंग की है आज बाद, तो आप लोग को थोड़ा मिट्टी गीला लग रहा होगा। अगर आप लोग इसे डेली बेसिस पे वाटरिंग करेंगे तो इनके रूट्स ख़राब होने लगेंगे और आपका प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए आप लोग इसे हर 2 या 3 दिन के बाद ही वाटरिंग करें। अगर काफ़ी लंबे समय तक भी अगर वाटरिंग नहीं हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपकी मिट्टी पूरी सूख भी जाए तो भी इसमें काफ़ी मॉइस्चर बना रहता है इनके लीव्स में, तो उनसे भी वाटर लेके अपना काम चलाते रहेगा। चलिए आगे बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट जो हमारा है कि इसे डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। इसे ऐसी जगह रखें जहाँ सुबह हल्की धूप या शाम आती हो, और अगर आप लोग इसे इंडोर रखना चाहते हैं तो वहाँ भी कम से कम 1 या 2 घंटे ब्राइट लाइट आनी चाहिए। सनलाइट इसके लिए ज़रूरी है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें ताकि इनकी लीव्स ख़राब ना हो। आप लोग चाहे तो इसे किसी सेंटर में रख के चारों तरफ से पॉट से भी घेर के से रख सकते हैं, ताकि डायरेक्ट सनलाइट इस पर ना पड़े। फोर्थ पॉइंट जो हमारा है कि काफ़ी लो मेंटेनेंस प्लांट है, ना ही इसमें किसी प्रकार की मैन्योर, ना ही फर्टिलाइजर, ना ही इन पर इंसेक्ट्स अटैक करते हैं, काफ़ी अच्छा प्लांट है। फिफ्थ पॉइंट है जो हमारा कि काफ़ी ईजिली ग्रो हो जाता है कटिंग से, सीड से, और लीफ से भी ग्रो होता है, लेकिन काफ़ी कम चांस रहता है सर्वाइव होने का। तो मैं तो प्रीफर कटिंग का ही करता हूँ मेनली, और मैंने भी इन्हें कटिंग से ही लगाया। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। मैंने इन्हें कुछ दिन पहले ही लगाया था और पहले से अब ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ दे रही है। सिक्स पॉइंट जो हमारा है कि इनकी कटिंग लगाने का कोई समय नहीं होता है। ये किसी भी सीज़न में आप लोग इसे कटिंग लगा सकते हैं, चाहे समर हो, विंटर हो या स्प्रिंग, आप किसी भी सीज़न रेनी में भी लगाइए, ये लगेगा अच्छे से। कोई इनका सीज़न नहीं होता, आप जिस सीज़न में चाहे आप इसे लगा सकते हैं, इनकी कटिंग काफ़ी अच्छी ग्रो होगी। सेवन्थ पॉइंट जो हमारा कि अगर आप लोग का कैलेंचो प्लांट छोटे पॉट में भी लगा हुआ है तो भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। छोटे प्लांट है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगा, देख सकते हैं मैंने छोटे कंटेनर में ही लगाया है और ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ इनकी हो रही है, आप देख सकते हैं। एट पॉइंट जो आज का हमारा लास्ट पॉइंट है कि समय टाइम टू टाइम इसकी ड्रेनेज होल चेक करते रहें। होता क्या है, मिट्टी जमा होने के कारण ड्रेनेज होल प्लांट बंद हो जाते हैं, और इसमें ज़्यादा वाटर स्टोर होने के कारण, मिट्टी गीली होने के कारण आपका प्लांट्स के रूट ख़राब होने लगते हैं और आपका प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो टाइम टू टाइम प्लीज़ ड्रेनेज होल चेक करते रहें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।